हमारे ही मेरे ही ग्राम पंचायत में कोलमजरा में थाना भी है और हमारे कोलमजरा ग्राम पंचायत में कई पुरवे हैं। ये उसमें एक कोठी पुरवा है, छोटा सा मजरा है कोठी पुरवा, उसमें ये दिक्कत बनी हुई है बराबर कि वहाँ पे स्कूल नहीं है। लगभग 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर के अंतराल में स्कूल नहीं है, और स्कूल है जो भी तो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे बच्चों को आना पड़ता है, और ट्रेन का गाड़ियों का आवागमन बराबर लगा रहता है, इसलिए बच्चों को आने में दिक्कत होती है। एक बार तो एक्सीडेंट भी एक बच्चे का इसी तरह हो चुका है। हम लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं तो हम लोग के साथ तो ये है कि दूरी हो या नज़दीक हो, जो भी सूचनाएँ मिलती हैं प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच करके और तत्काल कार्रवाई की जाए। और विषम परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा हो जाता है रोड या रास्ता जाम या कुछ किसी इस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं तो उसे थोड़ी सी विलम्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग तत्काल ही पहुँचने का प्रयास करते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हैं। श्रीमान जी, मेरे अनुभव से पुलिस तो इस समय, जब से मैं जानने लायक हुआ, जब से मेरा संपर्क हुआ पुलिस से, इस समय मैं गाँव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो पुलिस मैं जहाँ भी फ़ोन करता हूँ, जो भी फरियादी आता है, तो अगर रास्ता सही है तो पुलिस 15 से 20 मिनट में पहुँच जाती है, अधिक से अधिक आधा घंटा। अगर कोई रास्ता ख़राब है तो आधे घंटे नहीं, 15 से 20 मिनट में पुलिस पहुँचती है। और पुलिस से क्षेत्र में इस समय तो कोई शिकायत नहीं है फिलहाल वर्तमान में। आज मैं एक ताज़ा घटना बता रहा हूँ। अरवारी में कौशल किशोर मिश्रा जी के यहाँ पत्नी का झगड़ा हुआ। मैं बरगढ़ स्टेशन पे ही था, मैं थाना अध्यक्ष महोदय से बरगढ़ से बात किया, वो हमारे क्षेत्र में ही थे, लेकिन वो फरिया मैंने जो सूचना दिया उससे पहले वो वहाँ पहुँच गए। तो पुलिस का इस समय जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, और पुलिस कोई भी सूचना मिले पुलिस ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ बरगढ़ क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, दवा करवाने मऊ जाना पड़ता है लगभग 20 किलोमीटर। कभी समान बात हुई नेताओं से या जनप्रतिनिधियों से या अधिकारियों से? जनप्रतिनिधियों से तो बात हुई है, लेकिन किसी नेताओं से अभी हम लोग की कोई बात नहीं हुई। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक अच्छी सी अस्पताल बन जाए और स्कूल बन जाए जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी और बच्चों को भी सुविधा मिलेगी। ना मिलने की वजह से ही सभी लोग तो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, सब जगह दूसरे जगह लोग कमाने जा रहे हैं कि दिल्ली मुंबई दूर दूर लोग जाते हैं, एक एक साल दो दो साल छः छः महीने लोग आते नहीं हैं, तो बेरोजगारी की वजह से ही तो जाते हैं। और जो अवैध खनन है वो तो बंद ही हो गया है, पहले अपना थोड़ा बहुत लोग उसी में चला लेते थे मजदूरी करके, अब तो अवैध खनन बंद हो गया है तो इसलिए लोग अपनी फैमिली लेकर के बाहर कमाने चले जाते हैं। बरगढ़ थाना जो है हमारा सबसे रिमोट का थाना है, वो 60 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है और काफ़ी फैला हुआ इलाका है, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी है। और जैसे कि पुलिस बल की निश्चित रूप से कमी है, जितना फोर्स वहाँ पे होना चाहिए उतना फोर्स हमें नहीं है, लेकिन जो भी फोर्स हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पे उसी पे कहीं सूचना मिलती है, कोई बात होती है वो फोर्स उसी के आधार पे अपना सभी गाँव में भी जा रही है, सड़क भी देख रही है, और किसी तरह कोई सूचना घटना अपराध होता तो वहाँ भी जा रही है। संसाधन की निश्चित रूप से वहाँ कमी है और उन संसाधनों को बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे वाहन है, वाहन वहाँ का ठीक नहीं है, हम वहाँ नया वाहन देने जा रहे हैं। कुछ जो कर्मचारियों की कमी है, कुछ पोस्टिंग्स हमारे यहाँ हुई है, क्योंकि रिमोट का इलाका है तो वहाँ थोड़ा फोर्स समय बढ़ाने की आवश्यकता है कि कोई घटना भी होगी तो फोर्स दूसरे थानों से पहुँचने में समय लगेगा। बाकी इलाके में विशेष ऐसा कोई अपराध का इलाका नहीं है, गांव भर के छोटे छोटे झगड़े हैं, आपसी झगड़े जरूर होते हैं, एक आध मर्डर की घटना भी कुछ हुई है वहाँ पर, लेकिन कुल मिला के वो इलाका बहुत ज़्यादा जो है अपराधग्रस्त इलाका नहीं है। फिर भी संसाधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक संसाधन हमारे पास नहीं रहेंगे तब तक हम अपराध को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। बरगढ़ थाना जो है हमारा सबसे रिमोट का थाना है, वो 60 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है और काफ़ी फैला हुआ इलाका है, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी है। और जैसे कि पुलिस बल की निश्चित रूप से कमी है, जितना फोर्स वहाँ पर होना चाहिए उतना फोर्स हमें नहीं है, लेकिन जो भी फोर्स हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर उसी पे कहीं सूचना मिलती है, कोई बात होती है वो फोर्स उसी के आधार पर अपना सभी गाँव में भी जा रही है, सड़क भी देख रही है, और किसी तरह कोई सूचना घटना अपराध होता तो वहाँ भी जा रही है। संसाधन की निश्चित रूप से वहाँ कमी है और उन संसाधनों को बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे वाहन है, वाहन वहाँ का ठीक नहीं है, हम वहाँ नया वाहन देने जा रहे हैं। कुछ जो कर्मचारियों की कमी है, कुछ पोस्टिंग्स हमारे यहाँ हुई है, क्योंकि रिमोट का इलाका है तो वहाँ थोड़ा फोर्स समय बढ़ाने की आवश्यकता है कि कोई घटना भी होगी तो फोर्स दूसरे थानों से पहुँचने में समय लगेगा। बाकी इलाके में विशेष ऐसा कोई अपराध का इलाका नहीं है, गांव भर के छोटे छोटे झगड़े हैं, आपसी झगड़े जरूर होते हैं,
एक आध मर्डर की घटना भी कुछ हुई है वहाँ पे, लेकिन कुल मिला के वो इलाका बहुत ज़्यादा जो है अपराधग्रस्त इलाका नहीं है। फिर भी संसाधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक संसाधन हमारे पास नहीं रहेंगे तब तक हम अपराध को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएंगे।